ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के बारे में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। अ रिंग इज पुल्ड बाय थ्री फोर्सेस एज शोन फिगर 1। ये फिगर है आपका, ये आपका रिंग है, दिस कॉल्ड एज अ रिंग। इसके ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं, 250 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में एफ अननोन फोर्स एंगल है थीटा, एंड तीसरा फोर्स 120 न्यूटन का विथ एंगल 60 डिग्री विथ वाई। फाइंड द फोर्स एफ एंड एंगल थीटा इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस इज 100 न्यूटन। क्या दिया आपको गिवन में, रिजल्टेंट कितना दिया है? रिजल्टेंट इज 100 न्यूटन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। कहाँ पे? वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। ओके, एक्टिंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? प्योरली ऑन समेशन एफ वाई पे। तो रिजल्टेंट इज डिपेंड अपॉन समेशन एफ वाई। इसका मतलब क्या होगा? समेशन एफ एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब समेशन एफ एक्स कितना होगा? जीरो। ये मेरा पहला कंडीशन है। तो यहाँ पे पहला आएगा क्या मेरा? फर्स्ट स्टेप रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो उसमें पहला आएगा मेरा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड टूवर्ड्स राइट जाने वाला फोर्स पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट जाने वाला फोर्स निगेटिव। ओके, नाउ तो क्या होगा यहाँ पे? देयर फोर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे पहले इसको रिजोल्व करेंगे। तो ये पहला फोर्स यहाँ पे आएगा 250 का, वो तो ऑलरेडी रिजोल्व है, मतलब वो एक्स में है और वाई के फोर्स को हम लोग रिजोल्व नहीं करते। बचा ये फोर्स, ये कैसा होगा? ये हम लोग को थीटा कहाँ पे आ रहा है? एक्स में आ रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस तरह का। एंगल किसके बना है? एक्स के साथ। तो ये होगा एक्स कंपोनेंट, तो ये होगा कॉस कंपोनेंट, तो ये होगा एफ कॉस ऑफ थीटा, दिस विल बी एफ साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह आएगा इसका फोर्स। कॉस किसके साथ आ रहा है? कॉस आ रहा है वर्टिकल के साथ, तो ये होगा 120, वर्टिकल वाला 120 कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये होगा 120 साइन ऑफ 60 डिग्री। ओके, क्लियर। नाउ समेशन एफ एक्स क्या क्या है यहाँ पे? समेशन एफ एक्स में आपका पहला फोर्स है 250, तो ये होगा 250 पॉजिटिव, देन ये जा रहा है माइनस एफ कॉस ऑफ थीटा, देन दूसरा ये माइनस 120 साइन 60 डिग्री। ओके, क्लियर। अननोन के यहाँ पे एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा को हम लोग वो साइड लेके जाएंगे, मतलब ये साइड आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये फोर्स यहाँ पे रहेंगे एज इट इज, ये हो जाएगा 250 माइनस 120 साइन 60। तो देयर फोर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू, इसको पहले ऐड करेंगे, तो ये होगा 250 माइनस 120 साइन ऑफ 60। तो आंसर है 146.07। तो आंसर इज 146.07 और ये डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, से इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट है मेरा समेशन एफ वाई, वो क्या है? इज इक्वल टू आर है मेरा। ओके, वो क्या है? इज इक्वल टू आर है वो। नाउ देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से अभी बनाएंगे इसको। तो वाई में क्या क्या कंपोनेंट है मेरा? वाई में कंपोनेंट है एफ पॉजिटिव एफ साइन थीटा, ये वाला, देन ये कंपोनेंट का माइनस 120 कॉस, माइनस 120 कॉस 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, एफ का कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। ओके, नाउ और ये क्या है? इज इक्वल टू क्या आपका? आर। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ आर, आर कितना दिया है मुझे? द वैल्यू ऑफ आर इज 100 न्यूटन। कितना दिया है वो? वैल्यू ऑफ आर इज 100 न्यूटन। ओके, वर्टिकल जा रहा है 100 न्यूटन का। तो क्या अननोन है यहाँ पे? एफ अननोन है। तो एज वी नो वैल्यू ऑफ एफ कितना है? 146.07 डिवाइड बाय कॉस, ओके, कॉस थीटा। ओके, तो देखिए कैसे आएगा फिर इसका वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे रह गया 100, हो जाएगा वहाँ पे वो इज इक्वल टू हो जाएगा 120 कॉस ऑफ 60 डिग्री। उनको ऐड करो 100 प्लस 120 कॉस 60 डिग्री,
कितना हो गया फिर ये, दिस वैल्यू इज 160, तो ये हो गया मेरा वैल्यू 160। तो f डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को करो इक्वेट, ओके, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन लेट सी क्या मिलता है मुझे। दोनों इक्वेट करोगे, एफ एफ सामने हो गया, कॉमन निकल जाएगा, तो ये आएगा 146.07 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ओके। ये इक्वेट करोगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा फिर, ये साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे देख आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस तरह से, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये नीचे आ जाएगा 160 एज इट इज ऊपर, ये नीचे आएगा 146.07, ये हो जाएगा आपका टैन थीटा इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 146.07, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 160 डिवाइडेड बाय 146.07, तो ये हो जाएगा देयरफॉर टैन इनवर्स ऑफ, शिफ्ट दबा के टैन इनवर्स ऑफ 160 डिवाइडेड बाय 146.07, तो आंसर इज 47.60 डिग्री, ये मेरा आंसर है थीटा का। नाउ तो देयरफॉर किसी भी इक्वेशन में, 1 और 2 में, दोनों में से चाहे जिसमें पुट करना है पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ। तो देयरफॉर पुटिंग पुट थीटा इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 146.07 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 47.60, तो ये होगा 146.07 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 47.6, तो वैल्यू इज 216.62, द वैल्यू इज 216.62 न्यूटन, ये आपका आंसर है इसका, ओके। होप आपको ये भी मेरा लेक्चर समझा होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कुछ आपको डाउट रहेगा यू कैन कमेंट ऑन अ कमेंट सेक्शन।